मैं हूँ आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। इन दिनों अक्षय कुमार स्टारर फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा खूब चर्चाओं में बनी हुई है। पिछले दिनों फिल्म तब खबरों में आ गई जब पता चला कि फिल्म लीक हो गई है। ये फिल्म से जुड़े लोगों और फैंस के लिए एक चौंकाने वाली खबर थी। हर कोई सिर्फ फिल्म को लेकर ही बात करने लगा कि आखिर ये फिल्म लीक कैसे हुई। आपको बता दें कि इसका खुलासा हो चुका है कि इस फिल्म के लीक होने के पीछे किसका हाथ है। दैनिक भास्कर की एक खबर की माने तो क्राइम ब्रांच ने जब इस केस को खंगाला तो उसे पता चला कि निर्माता नीरज पांडे की एक बिजनेस पार्टनर की असिस्टेंट की एक छोटी सी गलती के कारण फिल्म को ये नुकसान हुआ। दरअसल उस असिस्टेंट के पास एक पेन ड्राइव थी जिसमें टॉयलेट एक प्रेम कथा की पूरी फिल्म थी। वो असिस्टेंट कहीं पर यही पेन ड्राइव भूल गई थी। बाद में ये पेन ड्राइव एक जिम ट्रेनर के हाथ लग गई। बाद में इसी ट्रेनर ने जाने माने कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को ये पेन ड्राइव दे दी और सारी बातें बताई। बात करें टॉयलेट एक प्रेम कथा की तो इस फिल्म में अक्षय के अलावा भूमि पेडनेकर, अनुपम खेर और दिव्येंदु शर्मा मुख्य भूमिका में हैं। ये फिल्म स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित है। फिल्म में एक पति पत्नी की कहानी को दिखाया गया है। जब पत्नी को एहसास होता है कि उसके ससुराल में शौचालय की व्यवस्था नहीं है तो वो ससुराल छोड़कर चली जाती है। फिल्म का निर्देशन श्री नारायण सिंह ने किया है। ये फिल्म सिनेमा घरों में 11 अगस्त को रिलीज होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।